गाइस फ्री फायर तो बैन ही हो गया पूरी तरीके से और इसमें बहुत ही सारे क्रिएटर बहुत ही ज़्यादा दुखी है, साथ ही साथ बहुत ही प्लेयर भी बहुत ही ज़्यादा दुख है इस बात को लेके कि फ्री फायर बैन हो गया। क्योंकि गाइस आपको पता है कि फ्री फायर से बहुत लोगों का कैरियर बना था यूट्यूब के चलते और बहुत सारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर भी थे जो सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर खेलते थे और उसी से पैसे कमाते थे। लेकिन गाइस इन सारी चीज़ों को बर्बाद कर दिया और इन सारी चीज़ों पर पानी फेर दिया और अब पता नहीं कि फ्री फायर दोबारा वापस कब आएगा। और फ्री फायर के बहुत ही बड़े बड़े ऐसे क्रिएटर है जो इस चीज को लेके काफी ज्यादा दुखी हुए और उनका क्या रिएक्शन था आज के वीडियो में वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे कि ज्ञान गेमिंग, एएस गेमिंग, देसी गेमर, टोटल गेमिंग, इन सबों का क्या रिएक्शन था, इन सारे बड़े बड़े यूट्यूबर का क्या रिएक्शन था फ्री फायर बैन जब हुआ, उसको मैं अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि आप काफी आपको इमोशनल कर देगी और आपको रुला भी सकती है। गाइस मैं आपको एक राज की बात बताने वाला हूँ जिससे आपका गेम बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा, तो वीडियो इसकी मत कीजिएगा। तो गाइस सबसे पहले मैं दिखाता हूँ ज्ञान गेमिंग का रिएक्शन जो कि उन्होंने क्या रिएक्शन दिया। गाइस ज्ञान गेमिंग ने जो रिएक्शन दिया है फ्री फायर बैन होने के बाद वो आपको रुला देगी, इतना इमोशनल सीन था। और उन्होंने उसके बाद यही कहा कि और करो कंट्रोवर्सी, और करो लड़ाई झगड़ा, और करो ये करो वो करो, ठीक है, सारे चीज वो सभी लोग को दोष दे रहे थे। गाइस मैं जानता हूँ आप सभी को फ्री फायर खेलने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही होगी, बहुत लोगों का सर्वर ही कनेक्ट नहीं हो रहा होगा और बहुत का तो हाई पिंग इशू हो रहा होगा, तो इन सारे चीजों का सोल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक गेम को अच्छे से चलाने के लिए हमें एक वीपीएन की जरूरत पड़ती है, तो मैं आपके लिए एक बेस्ट वीपीएन लेके आ चुका हूँ जिस वीपीएन का नाम है लिंक फ्लाई। ये एक बहुत ही बढ़िया वीपीएन है जो बस एक रुपया में मिलेगा और फ्री सब्सक्रिप्शन भी, ये 100% ट्रू है और आज तक का सबसे लोएस्ट प्राइस वीपीएन है। यहाँ पर आपको अनेकों सर्वर और अनलिमिटेड डाटा 50 Mbps फुल स्पीड के साथ मिलेगा, वेट मत करो अभी जाके डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और गाइस अगर आप मेरा रेफर कोड यूज करोगे तो आपको उसी वक्त 20 रुपया मिलेगा और पहले महीने का वीआईपी सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1 रुपया में और दूसरे महीने से सिर्फ 40 पैसे में। और आप टेंशन मत लो क्योंकि मेरे पास एक तरीका है जिससे आप फ्री सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, अपना दोस्तों को इनवाइट करो और पाओ 300 रुपया तुरंत। वेट मत करो, जल्दी से डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और मेरा रेफर कोड यूज करना मत भूलना, उसी में आपको पैसे मिलेंगे। और उसका रिएक्शन देखने लायक था, इतना इमोशनल था, आप देख सकते हो स्क्रीन। ये तो सही है, याद रखना गाइस दुआ में सफल करता हूँ। और गाइस घूमना है आज, अगर गाइस मेरे से जाना है तो आ जाना सियालदा प्लेटफॉर्म पे नंबर 1 पे जा रहा हूँ मैं थोड़ा, और असली चीज तो मैंने लिया ही नहीं यार। चलो गाइस ये सब कुछ लेके जाता हूँ, ये तो आप लोगों को पता नहीं इसके अंदर क्या है, हमें याद रखना गाइस, मत जाना मैं गाइस, बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे दोबारा। और करो हर बार की एक फ्री फायर में इसका झगड़ा उसका झगड़ा, भाई इसने वो ले लिया और बनो इसको प्लेयर, मोबाइल प्लेयर किसी का यार, और करो कंट्रोवर्सी और मजा ही करो, तुम लोगों जिंदगी जी लो यार, चलता हूँ। और गाइस सच में बताना है कि ये काफी इमोशनल सीन था या कि नहीं, ठीक है, बहुत सारे लोग कहने पे वो दोबारा वापस शायद आ गए थे लेकिन उस वक्त वो घर छोड़ के जा रहे थे जो कि काफी इमोशनल सीन था उस वक्त। अब गाइस हम दिखाते हैं टू साइड गेमर का रिएक्शन कि जब फ्री फायर बैन हुआ था वो लोग सो रहे थे, उसके बाद जो उसका क्या रिएक्शन था वो रिएक्शन देख के आप काफी ज्यादा इमोशनल होने वाले हो क्योंकि वो रिएक्शन ही काफी इमोशनल सीन थी और आखिरकार आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि हर एक क्रिएटर के दिल पे अभी क्या बीत रही हो। तो आप देख सकते हो टू साइड गेमर का वो छोटा सा रिएक्शन। गवर्नमेंट बैन 50 मोर चाइनीज स्मार्टफोन ऐप्स, करीना फ्री फायर में भी बैन टू, भाई ये क्या हो गया भाई जश, भाई गेम बैन हो रहा है फ्री फायर, फेक न्यूज नहीं है भाई, आज न्यूज में आ गया, वो लोग बोल रहे थे मंडे को आएगा गवर्नमेंट बैन 50 मोर चाइनीज स्मार्टफोन ऐप्स, करीना फ्री फायर विल बी बैन टू, ये सच में भाई सुबह सुबह यार फोन आ गया और दिन खराब हो गया देख ही लिया। अब चलते हैं अगले क्रिएटर के तरफ जो है गाइस लोकेश गेमर, ठीक है, तो लोकेश गेमर का क्या रिएक्शन था जब फ्री फायर बैन हुआ, तो उन्होंने गाइस एक एयरटेल सिम पे कॉल किया था, ठीक है, और उसका कस्टमर केयर क्या बोले आप यहाँ पे सुन सकते हो, वो छोटा सा रिएक्शन आप लोकेश गेमर का आप यहाँ पे देख सकते हो। वो भी एयरटेल के यूजर्स है, उनको ये बता रहा है एयरटेल कस्टमर की
फ्री फायर को बैन कर दिया है। जैसे देखो ये मेरे पास एयरटेल का फोन है, अभी मैं आपको इसमें लाइव प्रूफ दिखाता हूँ क्या हुआ है। देखो यहाँ पे मैं 198 डायल करूंगा एंड मैंने इसको स्पीकर पे लिया। अब गाइस आप सुनना, अभी मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर लूंगा हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद अभी मैंने एक दबाया, आप सुनो, फ्री फायर गेमिंग ऐप ब्लॉक कर दी गई है, इस कारण अब आपकी ऐप डाउनलोड या इस्तेमाल नहीं कर। मतलब जिसके पास एयरटेल का सिम है वो एयरटेल ऐप ओपन करके भी गाइस वहां पे चेक कर सकता है। उसमें क्लियर बता दिया गया कि फ्री फायर को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। और गाइस जब फ्री फायर पूरी तरीके से बैन हो जाएगा उसके बाद सारे यूट्यूबर का धीरे धीरे व्यू भी डाउन हो जाएगा, जिसके चलते उसका रीच खत्म हो जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे वो फ्री फायर के चलते यूट्यूब को भी पूरी तरीके से छोड़ देगा, ठीक है। तो इतने सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं, इसलिए सारे क्रिएटर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों ने इसको कैरियर बना लिया था और पढ़ाई लिखाई सारा कुछ छोड़ दिया था, ठीक है। अब सोचो उसके दिल में क्या बीतता होगा। तो गाइस अभी मैं दिखाने वाला हूँ एएस गेमिंग का रिएक्शन कि फ्री फायर बैन होने के बाद उसका क्या रिएक्शन था। आप देखोगे तो सच में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाले होते। आप देख सकते हो यहाँ पे छोटी सी वीडियो एएस गेमिंग की कि उसका रिएक्शन क्या था। बैन हो गई यार, इतने सारे आर्टिकल है, गिरना फ्री फायर बैन, इंडिया टुडे, न्यूज 18, आज तक, इंडिया, क्या यार इतने सारे आर्टिकल आ गए। अब तो सच में ही फ्री फायर बैन हो गई यार, आज तक पे भी अब आर्टिकल आ गया यार। अब क्या करूँगा भाई, वीडियो भी मैं फ्री फायर की बनाता था और मेरी ऑडियंस तो सिर्फ फ्री फायर देखती थी, अब मैं क्या करूँगा भाई, मेरा तो सब करियर वरियर खत्म हो गया यार। अब चैनल का क्या होगा यार भाई, अब तो मैं रोड पर आ जाऊँगा यार कसम से यार। अब वीडियो भी बनाने के लिए कुछ है नहीं, फ्री फायर ही नहीं रही यार, तो अब मैं वीडियो किस चीज़ का बनाऊंगा यार। अब क्या करूँ, सो जाता हूँ यार, क्या वीडियो बनाना, छोड़ो यार। तो गाइस अभी आपने देखा कि एएस गेमिंग का रिएक्शन कितना इमोशनल था जब फ्री फायर को बैन होगा, और क्यों ना होगा भाई, क्योंकि उसी पे पूरा कैरियर था, तो जरूरी जाहिर सी बात है कि इमोशनल होना ही है। तो गाइस अब रहा ये देसी गेमर का रिएक्शन कि फ्री फायर बैन होने के बाद उसका क्या रिएक्शन था, उसका अब यहाँ पे देखते हैं। बट व्यूज देके फिर फ्री फायर में आने का मन करता है ना, ऐसा नहीं है, फ्री फायर है तो मैं ठीक है, तुम लोग मेरे को जानते हो बिकॉज ऑफ फ्री फायर, ऐसी बात नहीं है। बट समझो यार मेरी फीलिंग्स को, समझो यार तुम लोग मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे हो कि नहीं, आई डोंट नो यार, मेरे को लगता है तुम लोग ना समझ ही नहीं पा रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है तुम लोग मेरी फीलिंग्स को ना बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हो यार, क्या बताऊं। तो गाइस समझ सकते हो कितना बुरा लग रहा है हम लोग सारे लोगों को जब फ्री फायर पे बैन का न्यूज सुना। तो बस अब एक ही उपाय है गाइस कि हम आपसे ही उम्मीद कर सकते हैं, आप लोग जब तक हम लोग को सपोर्ट करोगे तब तक हम लोग बने रहेंगे, वरना हम लोग को फ्री फायर छोड़ना पड़ जाएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा ना गाइस, हम लोग के पास कुछ भी नहीं रहेगा। आप लोग जब तक हम लोग का साथ दोगे तब तक हम लोग ऐसे ही बनाते रहेंगे और आपको इंटरटेन करते रहेंगे, बस बुरे वक्त में भी आप जरूर साथ देना जिस तरह से हमेशा साथ देते यार हो, यही आपसे उम्मीद है गाइस। और अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्या ही बोले सब्सक्राइब करने को भाई, बहुत ही बुरा लग रहा है। फिर भी गाइस आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग ऐसे ही बने रहना चाहते हो हमारे साथ तो जरूर गाइस सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि सेकंड चैनल पे मैं भी आपको ब्लॉग वगैरह प्रोवाइड करूंगा जो बहुत ही ओपी ब्लॉग होने वाला है, तो सेकंड चैनल को भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक पे क्लिक करके VPN को डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि उसी में आपको गेम अच्छे तरीके से चलेगा, और मेरा रेफर कोड यूज करना मत भूलना।